को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छे से चल रही है ना? पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, आने वाले एग्जामों में आपको एक अहम रोल अदा करना है, ठीक है? कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अभी हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और पिछली क्लास में डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था। जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास ना ले पाई हो किसी कारणवश, तो वो प्लेलिस्ट में जाके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस के मामले में जब हम लोगों का बेसिक क्लियर हो गया है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो कहीं ना कहीं एग्जामों में आते हों और उन क्वेश्चनों में हम कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हों या कंफ्यूज हो जाते हों। तो आइए अब हम लोग अपना सफर यहीं से स्टार्ट करते हैं और हम लोग थोड़े से आगे बढ़ने का क्रम बनाते हैं। मिलिएगा एक छोटे से और बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में जो बात करें हम लोग, तो कहीं ना कहीं कोई एक विद्यार्थी है किसी दिशा में जाना चाह रहा है, कुछ दूरी तय कर रहा है। इसके लिए हमने आपको डायग्राम बताया था और मुझे पूरा भरोसा है वो डायग्राम आपको पता भी होगा। एक बार उस डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी आप मुझे दीजिएगा, आप मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम में ये वाली जो डायरेक्शन हम लोग जाते हैं, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन कहलाती है? क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था और आप सभी को ये चीज पता होगी कि पॉइंट से अगर हम लोग इस तरफ जाते हैं तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो पूर्व कहलाती है। क्या कहलाती है? पूरब हो जाएगी। कंप्लीट सबको पता है ना? अगर ये पूरब है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। यानी अगर हम लोग यहां जाएंगे तो पूरब हो जाएगा और जस्ट अपोजिट जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा। उसी तरह अगर यहां निकल जाएंगे तो ये उत्तर हो जाएगा और यहां निकल जाएंगे तो दक्षिण हो जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई थी? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मध्य डायरेक्शन के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पे बोल दिया कि रमेश जो है उत्तर पूरब दिशा में जाना चाह रहा है। देखिएगा यहाँ पे जो डायरेक्शन है उत्तर पूरब है, ठीक है? और अभी आपने चारों प्रॉपर डायरेक्शन के बारे में सीखा था, तो अब हम लोग थोड़ा सा मध्य डायरेक्शन के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कि आपको ये पता है कि अगर आप प्रॉपर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पूरब कहलाएगा। उसी तरह प्रॉपर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो उत्तर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कि ये डायरेक्शन पूरब है, ये डायरेक्शन उत्तर है, तो उत्तर पूरब क्या है? आपको बात बताऊं, इनके जो मध्य में स्थितियां बनती हैं, ये वाली जो स्थितियां हैं, ये सारी जो स्थितियां हैं, इनको हम लोग उत्तर पूरब कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूरब। कोई विद्यार्थी अगर सीधा जाएगा तो पूरब हो जाएगा। कुछ अंश यदि वो ऊपर की ओर इस तरह मुड़ के और वो अगर इस तरह जाना चाह रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है उत्तर पूरब कहलाती है। अच्छा, अगर ये उत्तर पूरब है, तो आप मुझे ये तो बता सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण और पूरब के मध्य में जा रहा है व्यक्ति, जो है दक्षिण पूरब के मध्य में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा भाई? दक्षिण पूरब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह आपको पता होगा कि आप अब समझ जाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। और अगर व्यक्ति इस तरह जाना चाह रहा है तो वो उत्तर पश्चिम कहलाएगा। बस छोटी सी बातें आपको समझनी थी और भरोसा है ये बातें आपको साफ साफ समझ में आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें मध्य डायरेक्शन ज्ञात करनी है उससे पहले हमें ये प्रॉपर डायरेक्शन पता होनी चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शन के बीच की जो स्थिति होती है उसे हम लोग मध्य डायरेक्शन कहते हैं। उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब हो जाएगा, और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा। थोड़ा सा फिर ध्यान देना। आप मुझे एक बात बताइएगा, सभी लोग एक मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप उसका मुझे जवाब दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा कि आपको पता है ये उत्तर पूरब लिखा है।
आप सभी को पता है ये उत्तर पूरब लिखा है। यदि मैं इसको पूरब उत्तर कह दूं, यदि मैं इसको पूरब उत्तर कह दूं तो ये गलत है कि सही है, आप मुझे ये बताइएगा। सिर्फ क्योंकि मैंने उत्तर पूरब लिखा था, अगर मैं पूरब उत्तर लिख दूं तो ये गलत है कि सही है, तो आप बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। ये जो दोनों नाम हैं ये दोनों बिल्कुल सही हैं, किसी डायरेक्शन को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना। क्योंकि इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं पूर्वोत्तर, क्या कहते हैं पूर्वोत्तर, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमोत्तर। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको हम लोग कॉमन बना देते हैं। तो चाहे उत्तर पूरब हो चाहे पूरब उत्तर हो, बात एक ही है, ठीक है। उसी तरह पूरब दक्षिण हो या दक्षिण पूरब हो, बात एक ही है। उसी तरह दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हो, पश्चिम दक्षिण भी कह सकते हो, और उत्तर पश्चिम भी कह सकते हो, पश्चिम उत्तर भी कह सकते हो। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस छोटे से डायग्राम को समझ चुके होंगे, और बस अगर ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, अब ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, एक सरल बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का प्रोसेस, और कई सारे विद्यार्थियों के आंसर देखो आ रहे हैं, और खैर वो अब उनके आंसर आ क्या रहे हैं बता तो रहे हैं, तो देखते हैं हम इनके आंसर गलत हैं कि सही हैं, और आप भी एक बार समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे रमेश विद्यार्थी है, यहां पे रमेश विद्यार्थी है, उत्तर पूरब दिशा में जा रहा है। यहां पे वो जा कितना रहा भाई, 10 किलोमीटर। आपको पता है, क्या पता है कि उत्तर पूरब जाने के लिए उत्तर पूरब के मध्य में व्यक्ति जाता है, उत्तर पूरब जाने के लिए उत्तर और पूरब के मध्य में ही जाएगा, यानी वो चला गया, गया कितना 10 किलोमीटर। तो आपने इस दूरी को नोट कर दिया कि वो इस बिंदु से चला और चलते हुए उत्तर पूरब दिशा में आगे गया, और गया कितना भाई 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चला। अच्छा फिर क्या कह रहा था, जैसे ही वो आगे बढ़ा तो कहां मुड़ रहा है, दाएं, कहां मुड़ रहा है, दाएं, और दाएं और बाएं मुड़ने के लिए हमने आपको छोटा सा पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि अगर दाएं कहता है, क्या कहता है, दाएं, तो घड़ी की दिशा के अनुसार मुड़ना है, जैसे घड़ी का चलने का क्रम होता है, ठीक है। मतलब अगर वो आपसे दाएं कहता है तो घड़ी का जो चलने का क्रम होता है ऐसी स्थिति होती है, और यदि वो बाएं कहता है तो घड़ी का जो क्रम अपोजिट होता है उस तरह की स्थिति बनती है। ये पॉइंट हम लोग समझ चुके थे, अब हमें दाएं जाना है। फिर गौर करना कि आपको दाएं जाना है तो आप मुझे बताइएगा, दाएं का मतलब इस तरह जाएंगे, दाएं का मतलब क्या हम इस तरह जाएंगे या इस तरह जाएंगे, ठीक है। इन दोनों स्थितियों में कौन सी सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम दाएं बाएं मुड़ते हैं, जब भी हम दाएं बाएं मुड़ते हैं तो हमेशा ऐसी स्थिति पर मुड़ते हैं जहां 90 का कोण बन रहा हो, 90 अंश का कोण बनता हो, और इस स्थिति में न तो ये 90 अंश का कोण है न तो ये 90 अंश का कोण है, दोनों स्थितियां गलत हैं। क्योंकि याद करो, जब हम लोग पूरब की ओर जाते थे, जब हम लोग पूरब की ओर जाते थे तो हम लोग दाएं बाएं कुछ ऐसे मुड़ते थे जिससे यहां भी 90 होता था, यहां भी 90 होता था। दाएं बाएं मुड़ने के लिए हमें हमेशा 90 डिग्री अंश के कोण पर मुड़ना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जब उत्तर पूरब में जाएंगे और यहां जो 90 का कोण बनता है वो कुछ इस तरह बनता है। यही छोटी छोटी बातें आपको समझनी है, क्योंकि डायग्राम में छोटी छोटी बातों से गलती हो जाती है और आपका आंसर वहीं गलत हो जाता है। देखिएगा, क्या देखिएगा कि ऐसी स्थिति 90 बनाती है। अब इनमें यह जरूर देख लीजिए कौन सी घड़ी की सही है, कौन सा घड़ी का विपरीत है। तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये तो भाई सही दिशा है कि नहीं, और अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये तो विपरीत है। जाना कहां है, दाएं, दाएं का मतलब क्या है, सही क्रम, इसका मतलब हमें इस तरफ और जाना था, और कितना जाना भाई 9 किलोमीटर बताया था, तो ये जो दूरी है वो आपकी हो गई 9 किलोमीटर।
छोटी छोटी बातों से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको भी छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हूं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर गलती हमें छोटी बातों में ही हो जाती हैं। बड़ी बात तो हम लोग संभाल ले जाते हैं लेकिन छोटी बातें संभाल नहीं पाते हैं, तो वहीं पे आप आंसर गलत कर देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले उत्तर पूर्व में गए 10 किलोमीटर, इसके बाद में कहां मुड़ गए, दाएं। दाएं का मतलब कुछ इस तरह हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, और दाएं मुड़ने के बाद में हम लोग 9 किलोमीटर गए। आगे देखते हैं कहां गए, कह रहा था फिर से तो दाएं मुड़ गए, फिर से दाएं मुड़ गए। अच्छा, यहां से जो दायां बायां बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि नहीं, क्योंकि 90 अंश पे जाना है। दाएं बाएं मुड़ने के लिए आपने इस तरह लाइन खींच ली, अब आपको जाना है दाएं, घड़ी का सही क्रम पहचानना है। आप जरा गौर करिएगा, अगर ऐसे जाएंगे तो ये कौन सा क्रम है, अपोजिट है, बायां कहलाएगा, दायां मुझे जाना था, इसका मतलब ये वाला क्रम जो था वो गलत है, हम इस क्रम में आगे की ओर चले जाएं, इस क्रम में आगे की ओर चले जाएं। और जाना कितना मुझे भाई 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, इसका मतलब ये भी है वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। कंप्लीट, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? देखिएगा एक बार फिर से, उत्तर पूर्व 10, दाएं मुड़ गए 9, फिर से दाएं मुड़ गए 10। गौर करिएगा, क्या ये 10 था, ये 10 है ना, ये 10 है तो ये 10 है, इसका मतलब इनके बीच में जो लाइन होगी, इनके बीच में जो लाइन होगी वो कितने किलोमीटर की होगी, ये अगर 9 किलोमीटर है तो ये भी 9 किलोमीटर हो जाएगी। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा कि हमसे वो क्या क्या पूछ रहा है, देखें जरा। पहला क्वेश्चन क्या है, वह किस दिशा में देख रहा है, मतलब कैंडिडेट की डायरेक्शन क्या है, वो ये आपसे पूछ रहा था। थोड़ा सा गौर करिएगा, कैंडिडेट जब लास्ट पोजीशन में आया था वो कुछ इस तरह ही तो आया था, कैंडिडेट की जो लास्ट पोजीशन है वो प्रेजेंट में उसी डायरेक्शन में देख रहा होगा, इसका मतलब वो ऐसे तो गया था यहां से और इस तरह गया, फिर इस तरह वो आया है, तो लास्ट जो पोजीशन है उसकी वो कुछ इस तरह है, यानी ये वाली लास्ट पोजीशन है और इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि अभी डायग्राम में देखा था ये वाली जो पोजीशन है वो होती है दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब जो कैंडिडेट है वो कहां देख रहा होगा, दक्षिण पश्चिम में। बात समझ में आई आपको, कैंडिडेट की डायरेक्शन जो है दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और क्या पूछ रहा था, कह रहा था प्रारंभिक बिंदु से, याद आया कुछ, मैंने आपको पिछली क्लास में इस तरह का क्वेश्चन और बताया था कि जहां से पूछे वहीं आप पहुंच जाओ और जो पूछे उसको देख लो, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से कहां दिखाई देगा, किस दिशा में दिखाई देगा, कितनी दूर दिखाई देगा, तो पहले तो पहचानो कि प्रारंभिक बिंदु कहां है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी और ये आपका प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा। यहां से जब हम उसको देखेंगे, यहां से जब हम उसको देखेंगे तो हमें वो ये वाली दिशा में दिखाई देगा कि नहीं, और ये वाली दिशा को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये वाली दिशा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरब और दक्षिण, यानी हमें वो दक्षिण पूरब में दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा, दक्षिण पूरब में। ये भी तो पूछा था कितनी दूर है, दूरी तो आपको साफ साफ पता है कितनी दूर है, 9 किलोमीटर। बस आपका आंसर आपके पास है, कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बताया भी है और उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही है। क्या, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, सेकेंड का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में और 9 किलोमीटर। उम्मीद है आपको छोटी सी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आपको और मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से, मिलिएगा आप अपने अगले क्वेश्चन से। आप अपने सफर को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सफर में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको समझें और उन समस्याओं का समाधान करें। तो पढ़ें, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना सीखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत सारी जानकारी हमें तुरंत पता चल जाती है। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो है मोहन है, और वो कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम में। कहां जा रहा है, दक्षिण पश्चिम में। तो कहीं ना कहीं जब मोहन दक्षिण पश्चिम में जा रहा है तो आप छोटा सा डायग्राम बना रहे होंगे, ठीक है, और डायग्राम आपका कुछ ऐसा बन रहा होगा। देखिएगा,
ध्यान रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो डायग्राम सही बन गया समझ लो बहुत अच्छा काम हुआ। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के डायग्राम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मोहन कई बार चला है, धीमे धीमे कई दिशाओं में गया है, कई बार घूमा है, तो आप ज्यादातर घूमने में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा था मोहन दक्षिण पश्चिम की ओर जाना है, और आपको पता है कि जब हम दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो दक्षिण पश्चिम कुछ इस तरह होता है। बात समझ में आई? दक्षिण पश्चिम जाने के लिए दक्षिण और पश्चिम के मध्य में जाना पड़ेगा, और जा कितना रहा भाई? 8 मीटर। तो ये लिख दिया मैंने 8 मीटर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में 8 मीटर हो गया था। जैसे ही दक्षिण पश्चिम में 8 मीटर चला, आगे और कुछ कह दिया था। क्या कह दिया था? पूरब दिशा में 20 मीटर जाता है। याद रहे, यहां से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई थी, दक्षिण पश्चिम में गया था। दक्षिण पश्चिम आप जानते हैं दक्षिण और पश्चिम के मध्य में होगा, 8 मीटर बताया था, ये दूरी आपने 8 मीटर नोट कर ली। अब क्या कह दिया था भाई? पूरब में जाना है। आपको पता है वो प्रेजेंट में यहां पर है, यहां से जब पूरब जाएगा, यहां से पूरब जाएगा कुछ इस तरह जाएगा कि नहीं जाएगा? ना, पूरा जस्ट सीधा हो जाएगा। अच्छा, जाना कितना था? 20 मीटर, 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो आप इसको 20 मीटर नोट कर देंगे, ठीक है। 20 मीटर था तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। यहां तक आपको डायग्राम में कोई समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि हम तो बस एक छोटा सा प्रारूप बना रहे हैं, लेकिन हमें दिशा निर्देश तो क्वेश्चन दे रहा था, हमें अपने मन से कुछ नहीं करना था, डायग्राम पता था, उसी डायग्राम के अनुरूप हम चल रहे थे। आगे देखते हैं। कह रहा था वहां से उत्तर पूरब में 8 मीटर जाता है। ध्यान रखिएगा, अब वो यहां पे आ गया है, अब वो यहां पे आ गया है, यहां से उत्तर पूरब जाना है, यहां से उत्तर पूरब जाना है, यहां से उत्तर पूरब कुछ इस तरह हो जाएगा, और जाता कितना है? फिर से 8 मीटर जाता है। तो ये दूरी भी आप नोट कर दीजिए, 8 मीटर की हो गई, ठीक है। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम में आया था तो दक्षिण पश्चिम में आ गया 8 मीटर, पूरब गया था तो पूरब चला गया 20 मीटर, यहां से उत्तर पूरब में गया है 8 मीटर, अब कहां जा रहा है भाई? अब पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, जा वो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं याद रखना आप कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे वो जाएगा उसी सिक्वेंस में आप डायरेक्शन में का जो डायग्राम है उस डायग्राम को बढ़ाएंगे। अच्छा, यहां पर है वो, यहां पर है, यहां से पश्चिम में जाना है तो पश्चिम तो जस्ट सीधा हो जाएगा, हो जाएगा। पश्चिम में जाना है और जाना कितना है? 6 मीटर। अच्छा, ये लाइन कितने मीटर की थी? 20 मीटर की, तो 6 तो कम हो गया, कितना हो गया? कम हो गया, 6 मीटर कम हो गया था। और आगे देखते हैं, और चल रहा है, बड़ा बदमाश है ये, तो चल के ही रह गया है। क्या कह दिया? अब उत्तर पूरब दिशा में 2 मीटर जाता है, उत्तर पूरब दिशा में, यहां से अब उत्तर पूरब ढूंढो, यहां से उत्तर पूरब ढूंढेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं? यहां से उत्तर पूरब ये हो गया, और कितना था भाई? 2 मीटर, तो ये हो गया 2 मीटर। बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक बड़े आराम से पहुंच गया था, यहां से पश्चिम जाना था तो पश्चिम आया 6 मीटर, इसके बाद में उत्तर पूरब निकल गया 2 मीटर, और बाद में कह दिया था फिर वहां से पश्चिम 4 मीटर। अच्छा, यहां पर आने के बाद में फिर पश्चिम 4 मीटर। ये छोटी छोटी कंडीशन में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि कई सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं एकाध कंडीशन में अगर डिस्टरबेंस हो गए तो वहीं से उनका आंसर गलत हो जाए। लेकिन आपको अगर डायग्राम पता है तो आप कहीं भ्रमित नहीं होंगे। आपको पश्चिम जाना है और पश्चिम जाने के लिए आप फिर कुछ इस तरह चलेंगे, और उसने 4 मीटर कहा था तो 4 मीटर हो गया। बात समझ में आ रही है ना? 4 मीटर चलने के बाद में दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर। दक्षिण पश्चिम क्या होता है भाई? अरे, दक्षिण पश्चिम तो कुछ ऐसा ही होता है, 2 मीटर था, तो भाई ये दूरी हमने 2 मीटर की नोट कर दी। बस यहां तक वो आ गया था, यहीं से क्वेश्चन बना दिया उसने, बस थोड़ा सा डायग्राम उसने घुमाया है कई बार, जिससे कि आप जब डायग्राम को घुमाएंगे तो बैठे बैठे
आप घूम जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप इस तरह नहीं हैं कि आप घूमेंगे, आप क्वेश्चन को घुमा के आंसर बड़े आराम से बताएंगे। चलिएगा देखते हैं क्या पूछा था। कह रहा था बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, कितनी दूर है। आपने देखा प्रारंभिक बिंदु तो ये है, यहां से जब उसको हम देखेंगे तो हमें वो ये वाली दिशा में दिखाई देगा। अच्छा, तो यहां से जब हम ये वाली दिशा में उसको देखेंगे, ये वाली दिशा कौन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। तो हमें ये निश्चित है कि डायरेक्शन जो है वो पूरब हो गई, डायरेक्शन क्लियर है। अब हमें क्या डिस्टेंस देखनी है, दूरी देखनी है। तो ये वाली लाइन कितने मीटर की थी? 20 मीटर की। क्लियर है, क्योंकि ये 8 और 8 बराबर हैं, तो ये टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? 20 इसके बराबर हो जाएगा। उस 20 में 6 ये नजर आ रहा आपको, 6 ये नजर आ रहा था, ये वाली जो दूरी इसके बराबर हो जाएगी, तो 4 ये हो जाएगा, तो 6 और 4 10, तो बचा कितना? टोटल 20 है, 20 में 6 4 10 है, तो बचेगा कितना? 10 ही तो बचेगा। तो यहां से जो ये वाली दूरी हो जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब वो प्रारंभिक बिंदु से पूरब दिशा में था और 10 मीटर दूर था। कुछ बात आपको समझ में आई होगी कि इस बिंदु से जब हम उसको देखेंगे तो हमें वो पूरब दिशा में दिखाई देगा। दूरी कैलकुलेट करेंगे तो 4 ये है, 6 ये है, टोटल 6 4 10 हो गई। टोटल लाइन 20 की है, जिसमें ये लाइन 10 हो गई, तो ये शेष बची 10 मीटर। तो ये दूरी जो है वो 10 मीटर की हो जाएगी। तो बस इसी तरह के कुछ क्वेश्चनों में लोग भ्रमित पाए जाते हैं, लेकिन आप इस तरह बिल्कुल नहीं है। आप कहीं ना कहीं कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आगे आने वाले क्वेश्चन भी आप सही ढंग से बताएंगे। चलिए मिलते हैं एक और अगले क्वेश्चन से। आइए देखिएगा अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले छोटी सी सलाह दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना, तब सॉल्व करने का प्रयास करना, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन में भ्रमित हो जाएंगे और आंसर को गलत कर देंगे। तो अगर आपको चेक करना हो तो आप 2 मिनट में जल्दी से सॉल्व करें और मुझे कमेंट के द्वारा आंसर बताएं, जिससे मैं बाद में देख सकूं कि आपने क्या गलती की है, आंसर सही बताया या गलत बताया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में एक बार आया है, तो आप गौर करें, क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है, जिससे कई सारे विद्यार्थी आंसर को गलत बताएंगे। चेक करिएगा, आपने देखा होगा ए और बी यहां दो लोग बताए हैं, एक ही बिंदु से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। मतलब ये दोनों जो है वो एक ही बिंदु से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। बिंदु एक ही है, स्थान एक ही है जहां से यात्रा प्रारंभ होगी, लेकिन आपस में विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। विपरीत दिशा क्या होती है? कोई दिशा प्रॉपर नहीं है, लेकिन हाँ, विपरीत दिशा का मतलब ये होता है, अगर ए पूरब में जा रहा हो तो बी निश्चित है पश्चिम में जाएगा, अगर ए पश्चिम में जा रहा हो तो बी निश्चित है पूरब जाएगा, अगर ए उत्तर में जा रहा हो तो बी निश्चित है दक्षिण में जाएगा। कुल मिलाकर ए जिस दिशा में जाएगा बी उससे विपरीत जाएगा, या बी जिस दिशा में जाएगा ए उससे विपरीत जाएगा। ये इनकी दिशाएं है कि नहीं? तो मैंने मान लिया कि ए जो है वो पूरब में जा रहा था, इस दिशा में ए गया। अच्छा, अगर ए इस दिशा में गया है तो बी कहां जाएगा? बी कहां जाएगा? बी पश्चिम चला जाएगा। बिंदु ए कहीं है तो इस दिशा में बी चला जाएगा। कंप्लीट। एक बिंदु है जिससे दोनों की यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं, और उस बिंदु से ए देखो पूरब में जा रहा था, बी अपोजिट जाएगा तो बी पश्चिम चला जाएगा। कह रहा था ए 9 मीटर जाता है, बी 7 मीटर जाता है, ये दूरी हो गई 9 मीटर और ये दूरी हो गई 7 मीटर। यहां तक बताइए कहीं कोई समस्या आपको? ये हो गई 9 मीटर, ये हो गई 7 मीटर। अब क्या कह दिया था? ए बाएं मुड़ जाता है, ए बाएं मुड़ता है, ए ये वाली दिशा में जा रहा था, बायां क्या होगा? बायां कुछ ये अपोजिट वाला हो जाएगा, तो ए भाई बाएं मुड़ गया, ठीक है। और ए तो बाएं मुड़ा है, बी दाएं मुड़ जाता है, बी की याद रहे दिशा जो है वो ये है,
बी की दिशा ये है तो बी का जो दायां होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये सही क्रम काउंट किया जाएगा। बी दायां मुड़ जाता है, दोनों पांच पांच मीटर की दूरी तय करते हैं, ये भी पांच मीटर है और ये भी पांच मीटर है। अच्छा, जब पांच पांच मीटर है तो ये एक सीधी रेखा में मिलेंगे कि नहीं, ये एक सीक्वेंस में हो जाएंगे। ए अब यहां पर आ गया है और बी आपका यहां पे आ गया है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा है क्या, सबसे पहले तो डायग्राम समझना, क्योंकि डायग्राम समझने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको पॉइंट पड़ेगा। ए देखो यहां गया था पूरब में 9 मीटर, बाएं मुड़ गया था 5 मीटर, बी अपोजिट था तो पश्चिम गया 7 मीटर, दाएं मुड़ गया 5 मीटर, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन का मेन पॉइंट तो अब स्टार्ट हुआ है, क्या पूछ रहा था इस समय दोनों के बीच कितनी दूरी है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो कई आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, क्या कि दूरी ये वाली लाइन पूछी है और ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर थे 5 और 5, इसका मतलब 9 7 कितना हो जाएगा 16 मीटर, तो ये भी हो जाएगी 16 मीटर। दूरी तो आपकी बिल्कुल सही आ रही है, कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आए हैं जिसमें उन्होंने 16 मीटर बताया है, दूरी बिल्कुल सही है। याद रखना, दूरी के साथ साथ में एक छोटा सा जो क्वेश्चन लगा हुआ है, ये अगर जितने विद्यार्थी सॉल्व करते हो तो अक्सर है 90% विद्यार्थियों के आंसर गलत आते हैं और बस 5% या 10% लोग सही करते हैं। आपको अपनी काउंटिंग उन्हीं 5% और 10% में करवानी है, ना कि 90 में करवानी है। कंपटीशन के लिए एक एक नंबर लाना महत्वपूर्ण होता है, और खास तौर पे छोटे से क्वेश्चन में, क्योंकि यहां भी मैं देख रहा हूं कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर गलत कर लिए हैं। जैसा मैंने सोचा था आपने वैसा ही किया, क्या कि उसने पूछा है क्रमशः किस दिशाओं में देख रहे हैं, आपने देखा उत्तर में आंसर उत्तर बता दिया। जिन लोगों ने दिशाएं इनकी इंटरचेंज की होंगी उनकी दिशा दूसरी आ रही होंगी, तो कई सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, आंसर गलत बता रहे हैं। याद रहे, क्रमशः किस दिशा में देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सी एंड डी, मतलब निश्चित नहीं होगा। इस ऐसी कंडीशन में दिशा कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर किसी दिशा में जा नहीं रहा था, ये तो हमने एग्जाम्पल माना था कि वो पूरब में गया था। रियल में क्वेश्चन में कहीं कहा है कि ए पूरब में गया है, कहा कि बी पश्चिम में गया है, नहीं, उसने तो ऐसा कह दिया था एक बिंदु से आपस में विपरीत दिशाओं में जाना है। मतलब अगर ए पूरब जाएगा तो ऐसी कंडीशन है, ए पश्चिम भी जा सकता है तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ए उत्तर भी जा सकता है, ए दक्षिण भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर क्वेश्चन ने डायरेक्शन नहीं बताई थी, इसीलिए डायरेक्शन बिल्कुल नहीं आएगी। जिन क्वेश्चन में कंफर्म डायरेक्शन बताई जाती है उसी का आंसर आता है, जिन क्वेश्चन में कंफर्म डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी वहां दूरी तो आएगी लेकिन डिस्टेंस नहीं आएगी, सॉरी डायरेक्शन नहीं आएगी, डिस्टेंस आएगी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कहें कि मान लो मैं किसी दिशा में जा रहा हूं, मान लो मैं किसी दिशा में जा रहा हूं और मैं बाएं मुड़ गया हूं, बताओ मैं कहां देख रहा हूं। छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आएगा, मैं किसी दिशा में जा रहा हूं और मैं बाएं मुड़ गया हूं, बताओ मैं कहां देख रहा हूं, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि मैं किसी दिशा में जा रहा हूं, मैंने कोई दिशा निश्चित नहीं की थी, इसीलिए यहां पर डायरेक्शन नहीं आएगी। तो अब आपको समझ में आया होगा, खैर कई सारे विद्यार्थी समझदार थे तो वो देखो सी एंड डी आंसर बता रहे हैं। चलिए इसी तरह ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का, और देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मिलिएगा अगले क्वेश्चन से, और देखिएगा, आप देखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप छोटी छोटी कंडीशन में पढ़ें, समझें, फिर डायग्राम बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं छोटे से पॉइंट ऐसे दिए जाते हैं जिससे कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएं। चलें देखें, डायग्राम बनाएं, पहले तो एक एक कंडीशन को पढ़ें, पढ़िएगा। बी, बिंदु बी जो है बिंदु ए के दक्षिण में, कह रहा था यहां बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहा जो बी है ना, बी कहां है, वो ए के दक्षिण में है, तो आप पहले ए को बना लीजिए। आप किसको बनाएंगे? ए को। ए के दक्षिण में आपको पता है ए का दक्षिण क्या हो जाएगा भाई, ए का दक्षिण ये हो जाएगा, बी इसका मतलब यहां पर है,
ए के दक्षिण में था तो ए के दक्षिण में हो गया। दूर कितना था भाई 8 मीटर, तो आप ना ये दूरी नोट कर दो 8 मीटर। कहीं समस्या कोई? क्या कह रहा था? कह रहा था जो बी है ना, बी इसके बारे में बताया है कहां से, कह रहा था ए के जो ए है ना यहां से दक्षिण में दिखाई देता है, तो भाई दक्षिण में दिखाई देने लगा, 8 मीटर दूर दिख रहा था। आगे पढ़ते हैं, कह रहा जो सी है ना सी, ये कहां दिख रहा था, तो कह रहा था बी के पूरब में। अच्छा बी यहां पर है, और बी का पूरब देखो जरा, बी का पूरब देखने के लिए हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा ना, कितना दूर दिखाई दे रहा, 24 मीटर दूर। अच्छा कुछ ज्यादा है, इसका मतलब हमने सी को यहां बना दिया, और ये जो है ये कितनी दूर है, 24 मीटर। यहां तक बात समझ में आई? क्योंकि छोटी छोटी कंडीशन को समझना, और छोटी छोटी कंडीशन को अगर समझ गए तो पूरा एक बड़ा लेवल आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले उसने बी को बताया था ए के दक्षिण में, तो ए के दक्षिण में बी को बना लिया। सी को बता दिया बी के पूरब में, बना लिया। आगे पढ़िएगा, कह रहा था बिंदु डी, डी जो है ये कहां है, सी के दक्षिण में। अच्छा इनका भी दक्षिण देखना है, इनका दक्षिण देखना है, और सी का दक्षिण आपको यही नजर आएगा, इसका मतलब डी यहां नजर आएगा, ये भी 8 मीटर दूर था, तो ये 8 मीटर दूर हो गया। यहां तक तो कोई समस्या नहीं आई होगी, बस समझने वाली बात तो अब है, समझने वाली बात अब है, क्योंकि यहीं से लोग गलतियां करते हैं। देखिएगा, कह रहा था बिंदु डी किसके बारे में बताया, डी के बारे में, इनके बारे में फिर बता रहा था, इनके बारे में क्या बताया कि जो डी है ना ये ई के पूरब में, याद रहे, बस यही गलती हो जाएगी। क्या आपको ना ई ऐसे नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसे आपने कर दिया तो समझना किसका पूरब है, किसका पूरब दिख रहा, डी का पूरब है और ई है। क्या आप बताएंगे भाषा में ये लिखा है कि जो ई है डी के पूरब में है, देखें जरा, नहीं ऐसा नहीं लिखा है, वहां उल्टा लिखा है, क्या कि जो डी है ना ये डी है, ये वाला पूरब में होना चाहिए, और किन के पूरब में, ई के पूरब में। तब बात समझ में आई हमें कि ई जो है वो इस तरफ होगा और ई का पूरब ये कहलाएगा। देखो अब ई के पूरब में दिखाई दे रहा डी, अच्छा दूरी देख लो 12 मीटर है, ये टोटल 24 है, तो ये आधा पॉइंट हो गया 12 मीटर का। आगे पढ़िएगा, एफ जो है ई के उत्तर में है, किनके, ई के, इनके उत्तर में देखोगे तो ऐसे ही नजर आएगा, आएगा कि नहीं, कितनी दूर था, 8 मीटर। आपको पता है ये लाइन 8 मीटर की है, इसका मतलब जो एफ है वो यहां पर हो जाएगा, बस हो गया था, यही बात समझनी थी, क्या ई के उत्तर में एफ नजर आ गया था। कुल मिलाकर बस एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, ए के दक्षिण में बी बताया, बी के पूरब में सी बताया, सी के दक्षिण में डी बताया, लेकिन डी के पूरब में ई नहीं बताया, तो ई के पूरब में डी बताया, ई के उत्तर में एफ बताया, पूरा क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, सी से, कहां से, सी से देखना है, सी कहां है, यहां पर है, ये सी जो है यहां से हम एफ को देखेंगे। अरे भाई यहां से जब हम एफ को देखेंगे तो हमें एफ ये वाली दिशा में दिखाई देगा, और ये वाली दिशा कौन है, पश्चिम, इसका मतलब हमें पश्चिम में एफ दिखाई देगा। कितनी दूर है, तो दूरी तो इसके बराबर हो जाएगी, यानी 12 मीटर, इसका मतलब पश्चिम दिशा में 12 मीटर आपका आंसर होगा। खैर कई सारे विद्यार्थी समझदार बन रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल आंसर सही बताया है, तो मुझे पूरा भरोसा है आप भी अब समझदार बनने का प्रयास करेंगे और छोटी छोटी कंडीशन को पढ़ेंगे और बिल्कुल सही सही आंसर बताएंगे। यहां तक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं जिसमें कई सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं अच्छे क्वेश्चंस। मिलिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ,
अच्छा क्वेश्चन है ये, और पढ़िएगा समझिएगा क्या क्या दिया है। कह रहा था कि मैं एक नदी के किनारे नदी की ओर मुंह करके खड़ा हूं और पानी में कोई वस्तु बह रही है, पानी में कोई वस्तु बह रही है और हमें वो अपने बाईं ओर से दाईं ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, बह रही है। ठीक है, हमें बाएं से दाईं ओर बहती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, नदी का बहाव भी आपको बता दिया है। कहें तो छोटा सा स्ट्रक्चर बनाए तो काम धाम तो है नहीं, अब नदी की ओर टहला जाए। जैसे ही नदी की ओर पहुंचे तो नदी का बहाव पता चल गया। क्या पता चल गया? कि नदी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है और हम एक नदी के किनारे पर खड़े हैं। हमारी जो डायरेक्शन है नदी की ओर है, क्योंकि बताया है नदी की ओर मुंह करके खड़ा हूं। जब नदी की ओर देख रहे थे वहीं से कुछ दिख रहा है कि कोई एक वस्तु है जो नदी में बह रही है और हमें बाएं से दाएं जाती हुई प्रतीत होती है। वहीं एक क्वेश्चन बन के तैयार हुआ, क्या? कि हमें ये बताओ कि मैं किस दिशा में देख रहा हूं। तो कई सारे विद्यार्थी के आंसर आने के तत्पर हैं बिल्कुल, और उनके आंसर आ रहे हैं। देखते हैं इनके सही हैं या फिर कहीं ना कहीं गलती की है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो बेस पॉइंट है वो है आपका नदी, सबसे पहले, क्योंकि यही हमारा एक बेस पॉइंट है। और नदी जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो नदी का जो बहने का क्रम है, जो बहने का क्रम है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कह रहा था पश्चिम से पूरब, तो आपको इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना है कि नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। पश्चिम ये है, पूरब की ओर जा रही है, इस तरह नदी बह रही है। याद रहे, पहाड़ आड़ नहीं बना देना, नहीं तुम और डिजाइन डिजाइन बनाओ बैठ के। छोटा सा हमें वो स्ट्रक्चर बनाना है जो हमें समझ में आए। ठीक है, तो ये एक नदी का स्ट्रक्चर बनाया है जिसकी डायरेक्शन बताई पश्चिम से पूरब की ओर। अब बात समझना, किनारे पर मैं खड़ा हूं, किनारे पर मैं खड़ा हूं, ये भी एक किनारा है, ये भी एक किनारा है, दो किनारे हैं। मेरी जो डायरेक्शन है नदी की ओर है, मैं नदी की ओर देख रहा हूं। अगर मैं इस किनारे पर हूं तो मैं ऐसे देखूंगा, देखूंगा ना, अगर मैं इस किनारे पर हूं तो मैं ऐसे देखूंगा। यही तो है ना, नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। मैं किसी एक किनारे पर हूं तो किनारे होते हैं दो, मैंने अभी दोनों को ले लिया। फिर मेरी डायरेक्शन नदी की ओर है तो ऐसी कंडीशन में मैं नदी की ओर देख रहा हूं, ऐसी कंडीशन में भी नदी की ओर देख रहा हूं। छोटा सा एग्जांपल समझना, अगर मैं यहां हूं, अगर मैं यहां हूं तो मेरा जो बाईं है यानी जो बायां हाथ है वो कुछ इस तरह हो जाएगा और मेरा जो दायां हाथ है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। कंप्लीट। अगर मैं ये वाली कंडीशन में हूं तो इस तरह मेरा बायां स्ट्रक्चर होगा और इस तरह हमारा दायां स्ट्रक्चर होगा। बस यही बातें समझनी थी, समझ लो आंसर आ गया। आंसर आ गया क्या? पहले तो ये देख लो कि समझा क्या है, समझा क्या है कि एक नदी का बहाव दिख रहा है, मैं किसी एक किनारे पर हूं, मेरी डायरेक्शन नदी की ओर है। अगर हम इस किनारे पर हैं तो ये बायां है, ये दायां होगा। अगर हम इस किनारे पर हैं तो ये बायां है, ये दायां है। क्या समझना है? कि क्या है कि कोई वस्तु बह रही है। अच्छा, जब वस्तु बहेगी तो वो पानी में यानी धारा के साथ में तो ही बहेगी, वस्तु भी तो ऐसे ही जाएगी, जाएगी कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन में कौन सी ऐसी कंडीशन बना रहा है जो हमें बाएं से दाएं लग रहा है? यहां देखो कहां है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं है। क्या ऐसा बोला है? नहीं, ऐसा नहीं बोला तो गलत। बाएं से दाएं, क्या ऐसा बोला है? बिल्कुल बोला है, बिल्कुल कहा है कि अगर कोई वस्तु जाएगी तो ऐसे जाएगी, बाएं से दाईं ओर जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और ऐसी कंडीशन में मैं कहां देख रहा हूं? उत्तर दिशा में। इसका मतलब आपका उत्तर
उत्तर होगा, यानी उत्तर दिशा में मैं देख रहा हूं। बातें कुछ आपको समझ में आई होंगी। मैं नदी के किनारे पर था, मेरी डायरेक्शन ये है, बाईं ओर से दाईं ओर वस्तु जा रही है, मैं उत्तर दिशा की ओर देख रहा हूं। तो आपको ये कुछ बातें समझ में आई होंगी। यहां तक आपने अभी देखा कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे और वो हमने क्वेश्चन लिए थे जिसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए तो अब आज का समय हम लोग यहीं ओवर करते हैं और एक नए उत्साह और आनंद के साथ और एक अच्छी सी सीरीज वाली क्वेश्चनों के साथ हम लोग आपको मिलते हैं अगली क्लास में। और अब हम लोगों की मुलाकात होती है नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग घर में अपना रिविजन करते रहिएगा और घर में भी पढ़ते रहिएगा। यदि आप यहां नए विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली और भी क्लासें हैं उनका भी आनंद आपको सही समय पर मिल सके। चलिए अब आज का समय यहीं ओवर करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।